हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टडी करेंगे, जिसके अंदर एग्जांपल 1 है। उसमें भी 5 एग्जांपल दिए हुए हैं, उसका हम एग्जांपल नंबर 1 स्टडी करते हैं। तो इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो इसके लिए हमको ये वो टेबल याद होना चाहिए जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी रखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया हुआ है, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 इंटू है कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो भी √3/2 ही होती है, 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1/2 होती है। तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, √3/√3, तो वो कितना होगा, 3/2 × 2 कितना होगा, 4 प्लस क्या होगा, 1/2 × 2 यानी कि कितना होगा, 4। अब हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, जिसमें 4 आएगा एलसीएम, फिर कितना आएगा, 3+1 = क्या होगा, 3+1 = 4/4 इक्वल्स टू क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल नंबर 2 स्टडी करते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो देखिए, यहाँ पर 2 वैसे का वैसा रहेगा, फिर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका भी स्क्वायर है, माइनस sin 60 की वैल्यू वो भी होती है √3/2, उसका भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 वैसे का वैसा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3/2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, फिर से 3/2 का स्क्वायर होगा 4। देखिए, ये +3/4 और -3/4 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा, 2 × 1, तो कितना आएगा, 2। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो अभी आगे हम स्टडी करते हैं एग्जांपल नंबर 3, जिसमें cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यूज लिखते हैं, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 45 की होती है उतनी होती है, तो कितनी होती है, 1/√2। और नीचे क्या आएगा, sec 30 यानी cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना होगा, 2/√3 प्लस cosec 30 यानी कि sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2 होता है, तो ये कितना होगा, 2/1 2। नीचे एक लिखने का कोई फायदा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे, तो 1/√2 वैसे का वैसा, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2+2√3/√3। अब हम क्या करते हैं, ये 1/√2 है, उसमें से √2 नीचे आएगा और ये √3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, √3/√2 ये वैसे का वैसा रहेगा, 2√3+2। अब हम ये √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 कितना होगा, 2, ये √3/√2 कितना होगा, √6 होगा, प्लस ये अब √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2√2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो है वो रूट नहीं रहना चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते, तो √3 वैसे का वैसा / क्या आएगा, ये वैसे का वैसा रहेगा, 2√6+2√2। अब हम क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² - b² तो सबसे पहले इसका स्क्वायर आएगा और फिर इसका स्क्वायर, तो 2√6 उसका स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू क्या होगा, हम √3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये 2 वैसे का वैसा रहेगा, ये √6/√3 कितना होगा, √18 - 2 वैसे का वैसा, और √2 और √3 कितना होगा, √6/ क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4/√6 का स्क्वायर कितना होगा, √6 यानी कि 6, माइनस फिर से 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेते तो अंदर क्या बचेगा, √18 - √6/6×4 = 24 - 4×2
एट इक्वल्स टू, ये टू ऐसे का वैसा, ये अंदर का भी वैसे का वैसा रखेंगे, और अगर 24 में से 8 का तो कितने बचेंगे 16, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, अंडर रूट 18 डिवाइड माइनस रूट 6 डिवाइड बाय 8 बचा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अंडर रूट 6 कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा, अंडर रूट 6 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा अंडर रूट 3 माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा डिवाइड बाय 8, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल नंबर 4 स्टडी करते हैं, जिसके अंदर साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 डिवाइड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले इसकी वैल्यूज रखते हैं, तो साइन 30 कितना होगा 1 बाय 2, टेन 45 कितना होगा 1 माइनस कॉसेक 60, साइन 60 का उल्टा कितना होगा 2 बाय रूट 3। नीचे क्या आएगा, सेक 30 यानी कि कॉस 30 का उल्टा कितना आएगा 2 बाय रूट 3 प्लस कॉस 60 कितना होगा 1 बाय 2 और कॉट 45 कितना होगा 1। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, ये माइनस 2 डिवाइड बाय रूट 3 को हम ऐसे का वैसा रखते हैं, और इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पर नीचे क्या रखेंगे 2 बाय रूट 3 को वैसे का वैसा रखेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ 1 के नीचे 1 है वो इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, अरे माइनस 2 बाय रूट 3 वैसे का वैसा, और नीचे क्या आएगा, ये 2 बाय रूट 3 ऐसे का वैसा, और प्लस क्या आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस 2 और नीचे आएगा 2। अब हम क्या करते हैं, इसका एडिशन करते हैं, 2 प्लस 1 कितना होगा इक्वल्स टू 3 बाय 2 माइनस 2 बाय अंडर रूट 3, और नीचे कितना आएगा 2 बाय रूट 3 बाय रूट 3 प्लस ये 2 प्लस 1 कितना होगा 3 बाय 2, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा, ये रूट 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या आएगा 3 इंटू रूट 3 माइनस 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाय नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 अंडर रूट 3 और नीचे क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 कितना होगा 4 प्लस 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3 डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 रूट 3, तो यहाँ पर 2 रूट 3 और 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और नीचे क्या आएगा 3 रूट 3 प्लस 4। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो देखिए क्या होगा 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 रूट 3 प्लस 4, ये वैसे का वैसा रहेगा। अब क्या करेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, तो क्या होगा 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 रूट 3 माइनस 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या होगा, ये दोनों सेम ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा 3 इंटू रूट 3 माइनस 4, दोनों एक ही है तो उसका क्या होगा स्क्वेयर, और ये नीचे क्या है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो वो क्या होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 3 रूट 3 का स्क्वेयर 3 रूट 3 का स्क्वेयर और माइनस क्या होगा 4 का स्क्वेयर, तो ये इसको हम अलग करते हैं, तो क्या होगा पहले का स्क्वेयर यानी कि 3 इंटू 3 कितना होगा 9 इंटू रूट 3 का स्क्वेयर कितना होगा 3, फिर क्या आएगा प्लस ये दूसरे वाले का स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर कितना आएगा 16, और माइनस क्या आएगा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इंटू 2, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8 और 8 इंटू 3 कितना होगा 24 और इंटू रूट 3 वैसे का वैसा, नीचे क्या आएगा 3 का स्क्वेयर 9 और रूट 3 का स्क्वेयर 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा 9 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा 27 प्लस 16 और माइनस 24 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाय क्या होगा 9 इंटू 3 27 माइनस 16, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 43 माइनस 24 इंटू रूट 3 वैसे का वैसा, और डिवाइड बाय कितना बचेगा 27 माइनस 16 यानी कि 11, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अभी हम एग्जांपल नंबर 5 स्टडी करते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 डिवाइड बाय sin square 30 प्लस cos square 30। तो सबसे पहले 5 वैसे का वैसा रहेगा, फिर cos square 60 की वैल्यू कितनी आएगी, तो cos 60 की वैल्यू 1 बाय 2 और उसका स्क्वायर प्लस ये 4 वैसे का वैसा
और sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 उसका स्क्वायर माइनस 10 45 1 उसका स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आएगा ये 5, इसका स्क्वायर कितना होगा 1/2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 4 वैसे का वैसा, और इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का होगा 4 और √3 का होगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या होगा 1/4 प्लस कितना होगा √3 का स्क्वायर होगा 3 बाय इसका होगा 4। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू ये 5/4 होगा, 5 × 1 कितना होगा 5/4 प्लस 4 × 4 कितना होगा 16/3 और माइनस 1 वैसे का वैसा, और नीचे क्या होगा, नीचे हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 4 एलसीएम आएगा और ऊपर क्या होगा 1+3। तो अब क्या करेंगे हम, ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 वैसे का वैसा और नीचे क्या आएगा 3+1 यानी कि 4/4। तो अब क्या करते हैं हम, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ऐसे का वैसा, और यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे कितना बचेगा 1, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा 4 × 3 = 12 एलसीएम होगा हमारा। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16 × 4 यानी कि 64 माइनस यहाँ नीचे 1 है तो और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से / 12। अब क्या होगा, हम इन दोनों का एडिशन करते हैं और माइनस 12 करते हैं तो कितना आएगा 67 डिवाइड बाय ये 12 वैसे का वैसा, तो 67 डिवाइड बाय 12 ये क्या आ गया हमारा आंसर।